नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आबियों के तीसरे सत्र में हैं। तीसरे सत्र में आबियों की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आबियों का पहला ऑपरेशन है आबियों का योग, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो आबियों कब जोड़े जा सकते हैं? दो आबियों अगर ए और बी है, इनकी जोड़ तभी होंगे जब उनके ऑर्डर समान हो, उनके कोटि समान हो। अगर ए एम क्रॉस एन कोटि का है तो बी को भी एम क्रॉस एन कोटि का होना चाहिए, तभी ए प्लस बी या ए माइनस बी ज्ञात की जा सकती है, अन्यथा नहीं। साथियों, यहाँ ए है और बी है। ए की कोटि 2x2 है, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, और बी में 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। दोनों की कोटि समान नहीं है, इसलिए दोनों को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, ना ए प्लस बी निकाल पाएंगे और ना ही ए माइनस बी ज्ञात कर पाएंगे। अब दूसरा उदाहरण है ए बराबर, इसकी है कोटि 2x3, अभी का भी है 2x3, दोनों की कोटि समान है, अब इसको हम जोड़ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे जोड़ेंगे, तो इसके पहले एलिमेंट यानी A11 को इसके A11 के साथ जोड़ का काम करेंगे, यानी 1 प्लस माइनस 1 इसके दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, 5 प्लस 3 8 प्लस 4 इसके दूसरे पंक्ति के पहले अवयव के साथ दूसरे पंक्ति के पहले अवयव को जोड़ेंगे, 3 प्लस 2 दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव को इसके दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ जोड़ेंगे, फिर 9 के साथ में 1 को जोड़ेंगे। अब 1 में से 1 घट जाएगा 0, 5 में 3 जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 4 12, 3 2 5, 7 2 9, 9 1 10, इस तरह से ए प्लस बी मालूम हो गया। अगर ए माइनस बी ज्ञात करना होगा तो ए में बी को घटाएंगे, 1 में माइनस 1 घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे, 8 में 4 घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे, 7 में 2 घटाएंगे, 9 में 1 घटाएंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2, 8 में 4 जाएगा तो 4, 3 में 2 जाएगा तो 1, 7 में 2 जाएगा तो 5, और 9 में से 1 आ जाएगा तो 8। साथियों, इस तरह से आप दो सदिशों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। एक आवयव का अदिश गुणन से कैसे गुणन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसको के से गुणा करना है, तो के गुणे दिस मैट्रिक्स, के हर एक इसके हर एक एलिमेंट्स के साथ के का गुणा होगा, 1 गुणे के 2 गुणे के 2 के गुणे 6 6 के 3 गुणे के 3 के 4 गुणे के 4 के 8 गुणे के 8 के 7 गुणे के 7 के 2 गुने के 2 के 4 गुने के 4 के। इस तरह से k से गुणा करना हो तो a के हर एलिमेंट के साथ में k को गुणा करते हैं। अब 2a है तो a को 2 से गुणा करेंगे, 2 into 1 2 into 2 2 into 6, अब इसको भी 3 into 2 4 into 2 8 into 2 7 into 2 2 into 2 4 into 2, यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। इस तरह से हम किसी भी एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ गुणा होता है। आबियों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस चल रहा था, अब हम तीसरा संक्रियाओं पर आते हैं। ए आबियु की ऋण आबियु बनाना, किसी मैट्रिक्स को नेगेटिव करना। कोई मैट्रिक्स अभी ए है, इसको -1 से गुणा करेंगे तो -a हो जाएगा। साथियों, अभी ए है, ये -1 करना है तो -1 से गुणा करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर हो गया ए प्लस माइनस बी, यानी ए प्लस माइनस 1 गुणे बी,
बी को माइनस एक से गुणा कर दीजिए और ए में जोड़ दीजिए। ध्यान रखना साथियों, इसे करने के पहले ए और बी का कोटि समान होना चाहिए। दोनों की कोटि समान है, अभ्युम ऑर्डर समान है, तभी ये काम होगा। अभ्युम के योग के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, पहला क्रम विनिमय नियम, यह कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है और दोनों का ऑर्डर सेम है तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। साचेर नियम एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, यदि ए बी सी तीन अभ्युम है और तीनों के ऑर्डर समान है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। योग की तत्समक का भी अस्तित्व होता है, किसी भी मैट्रिक्स के योग का तत्समक शून्य अभ्युम होता है। योग के प्रतिलोम ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो होता है, यानी ए का प्रतिलोम माइनस ए और माइनस ए का प्रतिलोम ए होता है। साथियों, अब एक अभ्युम का अदिश गुणन के गुणधर्म क्या है ये देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एक अदिश को, एक अभ्युम को एक अदिश राशि से कैसे गुणा करेंगे। k को a प्लस बी, a और b दो मैट्रिक्स है, दोनों के अभ्युम की कोटि समान है तो k से गुणा करेंगे तो k गुणे a प्लस k गुणे b होगी। और यदि k प्लस l को a से गुणा करना है तो k प्लस l a होगा। अब इसे गुणा करने के लिए ab को जोड़ने की बात है, ab को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। तो k को a से गुणा करेंगे k होगा, k को b से गुणा करेंगे तो kb होगा। अब अभ्युम का गुणन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अब दो अभ्युम को कैसे गुणा करेंगे। साथियों, बहुत देर से इंतजार थी गुणनफल सीखने के लिए, जोर सीख लिए, घटाओ सीख लिए और अब हम लोग गुणा सीखने जा रहे हैं। a b को गुणा ज्ञात करने के लिए एक शर्त है, हर दो अभ्युम गुणा नहीं किए जा सकते। गुणा करने के लिए बहुत आवश्यक शर्त है, ए अभ्युम ए को अभ्युम बी से तभी गुणा कर सकते हैं जब ए में कॉलम की संख्या, यानी ए के स्तंभ की संख्या बी के पंक्ति की संख्या, यानी कि बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, यानी ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, यानी ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी ए बराबर एन क्रॉस एन है तो बी को ये जो एन से समाप्त हुआ है वो इसको एन से प्रारंभ होनी चाहिए, दोनों को समान होना चाहिए। अगर समान है तो ए क्रॉस बी मालूम होगा, अन्यथा मालूम नहीं होगा। और यदि ये समान है तो ए बी ज्ञात होगी और ए बी की कोटि एम गुणे पी होगी। अब देखिए, यहाँ ए है और बी है, ए की कोटि दो गुणे दो है और बी की कोटि एक गुणे तीन है, दो और एक दोनों अलग अलग है, नहीं समान नहीं है, यानी ए बी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब ए है और दूसरा बी है, ए का अभ्युम दो गुणे दो है और बी का अभ्युम दो गुणे एक है, दोनों का अभ्युम समान है इसलिए ए बी की ज्ञात होगा और ए बी की कोटि दो गुणे एक होगी। अब देखिए साथियों, ए मेरे पास में ये है और बी है, अब इसको गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने के लिए एक को दो से गुणा करेंगे प्लस दो को तीन से गुणा करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी चीज है, समझ में आ गई तो बहुत आसान है। एक को दो से गुणा किया प्लस दो को तीन से गुणा किया, फिर तीन को दो से गुणा किया प्लस चार को तीन से गुणा किया। एक को दो से गुणा करने पर दो हुआ, दो को तीन से गुणा करने पर छह हुआ, तीन गुने दो छह, चार गुने तीन बारह, दो प्लस छह बराबर आठ हो गया, छह प्लस बारह बराबर अठारह हो गया। साथियों, अभी भी बातें स्पष्ट नहीं होगी, अभी आपको मैं एक उदाहरण देकर और समझाते हैं। अब ए बराबर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, दूसरा बी बराबर दूसरा मैट्रिक्स है, इसे गुणा करके देखते हैं। इसका ऑर्डर ए क्रॉस दो क्रॉस दो है और इसका ऑर्डर दो क्रॉस तीन है। इसकी पंक्ति दो है, स्तंभ दो है, इसके पंक्ति दो स्तंभ तीन है,
इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, इसलिए ए बी ज्ञात होगा और इसकी कोटि दो गुने तीन होगी. अब ए बी है, ए और बी है, अब इसको कैसे गुना करेंगे साथियों, थोड़ा सा मेरे साथ जुड़िए और आराम से इसे सीखिए, क्योंकि एक बहुत बढ़िया टॉपिक्स है. अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत सारे प्रश्नों को बनाने में आपको सहूलियत होगी. इसमें जब गुना होगा तो ये इधर एलिमेंट जाएगा और ये इधर आएगा. तो पहले एलिमेंट में देखिए ये छह है और ये दो है, तो छह गुने दो हो गया प्लस नौ गुने सात हो गया, फिर छ गुने छ हो गया प्लस नौ गुने नौ हो गया, फिर छ गुने जीरो हो गया, फिर नौ गुने आठ हो गया. ये पहली पंक्ति बन गई. दूसरी पंक्ति के लिए दूसरी पंक्ति पर जाएंगे, दो गुने दो हो गया प्लस तीन गुने सात हो गया, फिर दो गुने छ हो गया तीन गुने नौ हो गया प्लस दो गुने जीरो हो गया तीन गुने आठ हो गया. साथियों दो छ को दो से गुना करेंगे बारह होगा, प्लस एक तो प्लस देंगे, नौ को सात से गुना करेंगे तिरसठ होगा, छह को छह से गुना करेंगे छत्तीस, प्लस नौ को नौ से गुना करेंगे तो इक्यासी, छह गुने जीरो जीरो होता है, प्लस नौ गुने आठ सेवेंटी टू यानी बहत्तर होता है, दो गुने दो चार प्लस तीन गुने सात इक्कीस, दो गुने छह बारह, तीन गुने नौ सत्ताईस, दो गुने जीरो जीरो प्लस तीन गुने आठ चौबीस होता है. अब इसको जोड़ते हैं, तीन दो पांच छह एक सात सेवेंटी फाइव यानी पचहत्तर हो गया, छह एक सात और आठ तीन ग्यारह एक सौ सत्रह हो गया और ये बहत्तर हो गया, इक्कीस चार पच्चीस हो गया, बारह सत्ताईस उनचालीस हो गया और जीरो प्लस चौबीस चौबीस हो गया, यानी ए बी का मान ये निकल के आ गया. क्या अब बी ए ज्ञात होगी? ए बी ज्ञात हो गई तो एक मन में प्रश्न रहता है क्या बी ए ज्ञात होगी? साथियों बी ए ज्ञात करने के लिए चलते हैं. बी की कोटि देखते हैं दो गुने तीन है और ए की कोटि देखते हैं दो गुने दो है. साथियों गुना करने के पहले इसकी कोटि दो देखना, अगर शर्त का पालन करें यानी बी के कॉलम ए के स्तंभ के पंक्ति के बराबर है, इसके तीन है और इसमें दो है, समान नहीं है, यानी बी ए ज्ञात नहीं होगा, जबकि ए भी ज्ञात हुआ और वही उसी का बी ए ज्ञात नहीं है, यानी इससे बड़े ज्ञान हो गया. अगर ए भी ज्ञात हो जाता है तो कोई आवश्यक नहीं कि बी ए भी ज्ञात होगा, अगर बी ए ज्ञात है तो कोई आवश्यक नहीं कि ए भी ज्ञात होगा. आवयव के गुणन के गुणधर्म को देखते हैं. अब हम सीखेंगे आवयव के गुणा पर कौन कौन से गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अगर ए बी ज्ञात है और उसको सी से गुणा करें तो ए गुने बी सी भी ज्ञात होगी, इसे शास्त्र नियम कहते हैं. अगर ए गुने बी प्लस सी हो तो ए बी प्लस ए सी ज्ञात हो सकता है, इसे वितरण नियम कहेंगे. या ए बी गुने सी हो तो ए सी प्लस बी सी ज्ञात होता है, इसे हम आवयव का वितरण नियम कहते हैं. साथियों इस चैप्टर के सारे बात समझ में आई, अब उसको उतारने के लिए अपने भीतर उतारने के लिए एग्जाम्पल्स को करना शुरू करते हैं. उदाहरण सिक्स है एनसीईआरटी की किताब का, ये उदाहरण सिक्स है 3.2 में जाने के पहले जो एग्जाम्पल्स होता है उस एग्जाम्पल को हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं. एग्जाम्पल सिक्स है, इसी पर आधारित आपका प्रश्नावली 3.2 मिलेगी, एक्सरसाइज 3.2 मिलेगी. अगर एग्जाम्पल्स को आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी, स्मूथली आप एक्सरसाइज को समाप्त कर पाएंगे. आइए उदाहरण सिक्स को देखते हैं. ए दिया है और बी दिया है, ए और बी को जोड़ना है. साथियों जोड़ने के नियम बताया था, दोनों के कोटि समान होना चाहिए, दोनों की कोटि दो गुने तीन है, इसलिए ए भी ज्ञात होगी. अब ए भी को ज्ञात करने के लिए संगत अवयव को जोड़ते हैं. रूट तीन को दो से जोड़ेंगे, एक को रूट पांच से जोड़ेंगे, माइनस एक को एक से जोड़ेंगे, दो को माइनस दो से, तीन को तीन से और जीरो को एक बटे दो से जोड़ेंगे. जोड़ने पर क्या मिलेगा? रूट तीन प्लस दो और एक प्लस रूट पांच और माइनस एक प्लस एक जीरो होता है. दो माइनस दो हो जाएगा जीरो,
तीन प्लस तीन हो जाएगा छह, जीरो में जीरो प्लस एक बटे दो बराबर हो जाएगा एक बटे दो। अब एग्जाम्पल साथ देखते हैं साथियों, ए दिया है, बी दिया है, टू ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। पहले से ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना होगा, ए को हम दो से गुना कर लेंगे। एक आव्यूह को एक अदिश राशि से गुना करने का नियम बताया था, इसके हर एलिमेंट से गुना हो जाएगा। दो को गुना करेंगे, एक गुने दो दो, दो गुने दो चार, दो गुने दो चार तीन, गुने दो छः, तीन गुने दो छः एक, गुने दो दो टू ए मालूम हो गया। अब माइनस भी ज्ञात करने के लिए बी के हर एलिमेंट को निगेटिव कर देंगे और फिर उसे जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, दो माइनस तीन यानी माइनस एक, चार प्लस एक पांच, छह माइनस तीन तीन, चार प्लस एक पांच, छह प्लस जीरो छह, दो माइनस दो गया जीरो। इस तरह से टू ए माइनस बी मालूम हो गई। आइए साथियों, कितना आसानी से सीखते जा रहे हैं और इस जितनी सहूलियत से सीखेंगे एक्सरसाइज आपको उतनी आसान दिखाई पड़ेगी, आसान लगेगी और आप मस्ती के साथ एक्सरसाइज को बनाएंगे। आइए एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर आठ को देखते हैं। ए दिया है, बी दिया है, सब दे दिया है कि 2a plus 3x बराबर 5b है, तो x का मान ज्ञात करो। 2a plus 3x बराबर 5b है तो सबसे पहले माइनस 2a, दोनों तरफ माइनस 2a करेंगे तो 2a में से 2a खत्म हो जाएगा तो 3x बचेगा। अब बच गया था 5b माइनस 2a, b को 5 से गुना करेंगे और a को 2 से गुना करेंगे, उसके बाद उसको घटा देंगे या a को माइनस टू से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे तो रिजल्ट ये मुझे आ जाएगा माइनस छह दस बारह चौदह उन्नीस माइनस सात माइनस उन्नीस माइनस सात, ये 3x का मान होगा। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है तो ये तीन इसके साथ में आ जाएगा तो एक बटे तीन हो जाएगा, एक बटे तीन गुने अब यानी एक बटे तीन से सबको गुना करेंगे तो माइनस छह गुने एक बटे तीन माइनस दो होता है, माइनस दस गुने एक बटे तीन माइनस दस बटे तीन होता है, बारह गुने एक बटे तीन चार होता है, एक बटे तीन गुने चौदह चौदह बटे तीन होता है, माइनस उन्नीस गुने एक बटे तीन माइनस उन्नीस बटे तीन होता है, माइनस सात गुने एक बटे तीन माइनस सात बटे तीन होता है। साथियों एग्जाम्पल्स नाइन है, x प्लस वाई का मान दिया है, x माइनस वाई का मान दिया है, आव्यूह के रूप में x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, x प्लस वाई को x माइनस वाई से अगर जोड़ देते हैं तो y कैंसिल होकर 2x हो जाएगा, इधर भी जुट जाएगा, इधर जोड़ दिया तो 8808 आ गया, 2x का मान 8808 आया यानी x का मान हो गया आधा करेंगे इसका 8 का आधा 4 4404 हो गया यानी x का मान इतना आ गया। अब मुझे y का मान ज्ञात करनी है तो किसी x दोनों में से किसी एक आव्यूह को पकड़ते हैं, x प्लस y का मान दिया हुआ है, दोनों तरफ x घटाते हैं x कैंसिल होकर के y हो जाएगा और ये मान इसमें से x घटाते हैं, x का मान 4404 आया है, 5 में 4 गया तो 1, 2 में 4 गया तो माइनस 2, 0 में से 0 घट गया 0, 5 में से 4 गया 1 यानी y का मान मालूम हो गया। इस तरह से x और y मालूम हो गए। एग्जाम्पल स्टेन में ये दो गुणे ये आव्यूह है प्लस दूसरा आव्यूह बराबर ये आव्यूह है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साथ इसको कैसे निकालेंगे x और y का मान, तो पहला काम होगा कि दो से इसको गुना करेंगे तो 2x, 5 गुने 2 10 होता है, 7 गुने 2 14, y माइनस 3 गुने 2 तो 2y माइनस 6 हो जाएगा, 3 माइनस 4 इक्वल टू जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा बराबर ये। अब दोनों आव्यूह बराबर है, कोटि समान है, इसलिए संगत अभी भी बराबर होना चाहिए, 2x plus 3 बराबर 6, 7, सॉल्व करेंगे x के मान 2 आ जाएगा, यहाँ 15 यहाँ भी 15 यहाँ 6 यहाँ भी 6, 2y minus 4 तो बराबर 14 है, तो यहाँ ये है और यह 14 के बराबर हो जाएगा तो 2y का मान 18 हो गया नहीं y का मान 9, अतः x के मान 2 और y के मान 9 हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, आप उदाहरण 11 को देखना अपने किताब से, थोड़ी लंबी क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहां पर नहीं किया है। इस क्वेश्चन में दिया है जो किसान है अपने किसान सितंबर अक्टूबर महीने में जो तीन प्रकार का अनाज यानी कि चावल पैदा करता है उसका ये दिया है। पहला ज्ञात करना है कि सितंबर अक्टूबर दोनों महीने मिला करके कितना उसको ये होता है, तो वेक्टर ए और ए माइनस बी दिया हुआ है, आव्यूह ए और आव्यूह ए माइनस बी दिया हुआ है, अभी a प्लस बी ज्ञात कर लेंगे, ए प्लस बी ए को हम लिख सकते हैं 2a माइनस ए, 2a में से a गया तो a हो जाएगा प्लस बी, 2a रहने दिए माइनस कॉमन निकालिए a माइनस बी हो गया,
अब 2a a मेरे पास में था, है यहां पर, उसको दो से गुना कर देंगे तो 2a मालूम हो गया, माइनस a माइनस b यहां पर है, इसको यहां घटा देंगे। अब इसमें इसको घटाएंगे तो रिजल्ट ये आ गया, यानी a प्लस b मालूम हो गया कि हमें a प्लस b कितना है। अब नेक्स्ट कहता है कि b का उत्पादन कितना हो रहा है, और एक चीज और पूछा उसमें कमी कितना हुई, तो कमी तो विपद दिया हुआ है ए और बी में, क्या कमी हुई है ये आपको दिया हुआ है। और अगला निकालना है कि बी का 2% कितना होगा, तो बी का 2% ज्ञात करने के लिए पहले बी ज्ञात करनी होगी। बी कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, रगौर करेंगे ए प्लस बी में ए माइनस बी को घटा देंगे, ए प्लस बी में ए माइनस बी को घटा देंगे, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा। ये a प्लस बी का मान है और ये a माइनस बी का मान है, घटा करके रिजल्ट लाया 2b का मान निकल के आ गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है b का 2% कितना होगा, b का 2% मतलब 2/100 यानी 2b/100, 2b का मान पता है 100 से भाग करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा b का 2%। साथियों अब अगले सत्र में हम लोग अगले उदाहरण और एक्सरसाइज को देखेंगे। आप हमारे वीडियो को देखा, परखा, जांच किया, इसके लिए मैं आपका सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह से जुड़े रहें और हमारे अगले वीडियो को देख करके लाभान्वित हों। धन्यवाद।